लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं। सीएम ने कहा कि यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर इन्हें सख्त सजा दी जाएगी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर में कार्रवाई करने में देर हुई है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद संभालते ही वो कोरोना के खिलाफ जंग में जुट गए हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को भी बदला है और कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान अलग अलग स्थानों से प्रदेश में लौटने वाले मजदूर और गरीब तबके के लोगों के लिए सारे जरूरी इंतजाम करने की बात कही। शिवराज ने कहा कि जो लोग प्रदेश में लौट चुके हैं उनके भोजन, आवास और दवा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और कुछ मजदूर जो अब भी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनके लिए वहां से सीएम से चर्चा करके उनके भोजन रहने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। ऐसे लोग इंसान नहीं है, मानवता के दुश्मन है। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने निकले, उन पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सख्त कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्रवाई इन पर होगी, सख्त सजा देंगे। मुझे लगता देर हुई है इंदौर में। मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएँ, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्द हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।